अभी बज रहे हैं रात के 11:30। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी मैं हूँ न्यू टिहरी में, शहर में, और यहाँ बर्फ़बारी हो चुकी है। ये मैं अभी हाईएस्ट पॉइंट पे हूँ न्यू टिहरी के, बडोगी के साइड, नहीं पिकनिक स्पॉट की साइड। बिल्कुल बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है यहाँ पे। बस गलना शुरू हो गई बर्फ़, क्योंकि यहाँ इतना ठंडा भी नहीं है जितना कि मसूरी और घुमटी की साइड है, बट बहुत सही है। मैं आज आपको पूरा न्यू टिहरी का टूर कराऊंगा, बिल्कुल बर्फ़ में कैसा और क्या दिखता है, और बाकी का नज़ारा आप देखिए ऊपर का। और सामने बेस्ट थिंग ये थी कि आज जो क्लाउड्स हैं उसने तो आज तबाही मचा दी। तबाही भाई, देखो क्लाउड्स क्या गजब के लग रहे हैं, मस्त। ओ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, कैमरे में थोड़ा कम दिख रहा होगा, बाद में दिखेगा मस्त करके, लैपटॉप पे वीडियो देखोगे जब। गाइस देखिए, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, बर्फ। गाइस मेरा कैमरा ख़राब हो गया था, ढंग से फिट नहीं बैठ रहा था, बड़ी मुश्किल से फिट किया। अब ये ग्लव्स ही पता नहीं किसके हैं। ठंड ज़्यादा हो रही है, धूप भी है, और मैंने आपको अभी पिकनिक स्पॉट का हल्का सा नज़ारा दिखाया जो कि दिख तो नहीं रहा था प्रॉपरली, क्योंकि मेरा कैमरा ढंग से सेट नहीं था, बट मैंने फिक्स कर लिया है। आगे जाके कहीं मुझे अगर टूल किट मिलती है, पेचकस पुचकस मिलता है, तो मैं उसे पूरा सेट कर लूँगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से निकलता हूँ सीधा, ऊपर ही ऊपर से निकल जाएंगे हम सीधा यहाँ से बडोगी से, तो नीचे से चलते हैं क्योंकि नीचे से बहुत अच्छा व्यू आएगा रोड से, और एक अच्छी रोड है, कोई भरोसा नहीं है कच्ची रोड का, मेरे पर टूल किट भी नहीं है फिलहाल, तो नीचे से जाने में फ़ायदा है। बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है सामने का, और सामने की पहाड़ियाँ देखिए कितनी गजब लग रही है, और यहाँ की जो ये देखिए नीचे पूरा शहर, टिहरी शहर। आराम से चलो। ओ भाई मिट्टी बहुत गीली है, फिसलो इस मिट्टी में, पक्का फिसलूंगा। तभी तुमने उस रूट से नहीं किया, क्योंकि उस रूट में बहुत दिक्कत है, अगर ऐसे गड्ढे होंगे तब तो होगी वाट लग जाएगी, इसलिए अपना जो रूट है उसी से जाने में फायदा है। सबसे अच्छा रूट यही है।
आधा घंटा लग गया मुझे उस कैमरे को सेट करते करते, बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। अगर कभी आप हेलमेट सेटअप करोगे मोटो ब्लॉगिंग के लिए तो उसको अच्छी तरह से फिक्स करना, क्योंकि तो आप बहुत दिक्कत करेगा आपको, क्योंकि ना आगे का व्यू अच्छे तरीके से दिखाएगा ना कहीं का व्यू अच्छे से तरह दिखाएगा, तो व्यू अच्छा नहीं दिखाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर। इस वजह से उसको अच्छी तरह से फिक्स करना। और यहाँ से हम सीधा पहुँचेंगे हम पुलिस चौकी ढाईजर पे, और वहाँ से सीधा हाईवे पकड़ेंगे और हाईवे से सीधा चंबा। ओ भाई आराम से आराम से। मैं सुबह के वक्त भी आया था यहाँ पे, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अभी प्रॉपर हेलमेट एडजस्ट नहीं है कैमरा मोटो ब्लॉगिंग के लिए, बट काम चलाओ जुगाड़ सही है, बाकी तो हम बाद में देख लेंगे कैसे और क्या करना है, फिलहाल के लिए तो सही सही है। और ये ढाईजर में तुम्हें पता है ना बड़ी सही बर्फ पड़ती है। यहाँ सेट नज़ारा है खूबसूरत, इसको बोलते हैं सिप चौक। कोई पूछेगा कहाँ पे भाई, सिप चौक में। और यहाँ से वो अपनी गड्डी शुरू, और उस साइड है पूरा डेरी, डेरी का मस्त वाला व्यू साइड है, वाओ ब्यूटीफुल। कोई मेरे साथ आने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि ठंड हो रही है। अबे ठंड तो होगी भाई, व्यू देखो तुम, व्यू भी तो अच्छा है। ये है बंदा फिसल गया था, ये है काली काली वाली बर्फ, काली काली बर्फ है ना। काली बर्फ से बस दूर ही रहो, क्योंकि सबसे बेकार बर्फ ही ये काली वाली। माय गॉड, ब्लैक आइस। अगर नहीं भी गिर रहे होंगे तो पक्का गिरोगे इस वाले पे। मैं तुम्हें थोड़ा रोक के दिखाऊं, वो देखिए टीरी उस साइड, ये देख टीरी का बड़ा खूबसूरत सा नजारा। और बर्फ को देखिए, मतलब गजब है गजब। अरे तुम्हें इसे ब्लैक आइस क्यों बोलते हैं? ब्लैक आइस इसलिए बोलते हैं, इसे इस पे गाड़ियां पहले चल चुकी है, अभी काली हो गई है गंदे पानी से, इसे ब्लैक आइस बोलते हैं। अच्छी तरह से धूप आए और ये ब्लैक आइस हट जाए बस, और साइड का व्यू रहे, तब जाके अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा था टीरी, बस टीरी हमने क्रॉस कर दिया है, अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे सीधा। ओह माय गॉड, द ब्यूटी इज हियर भाई साहब, एकदम एक नंबर नजारा आ रहा है। और ये देखिए, इसको इसकी बात कर रहा था, इससे फिसलोगे तुम, फिरोगे तुम सीधा इस पे। स्पीड कम करके दोनों पैर नीचे करके चलाओ भाई, यहाँ पे तो सीधा फिरोगे तो। माय गॉड, गिर गया मैं, बिग गया मैं, गिर गया था अभी मैं, मेरे आगे वाले के चक्कर में मैं गिर गया था।